9 जुलाई 1962 रात 9:09 पर अमेरिका ने अंतरिक्ष में हाइड्रोजन बम विस्फोट किया। यह बम इतना शक्तिशाली है कि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 100 गुना बड़ा है। यह प्रयोग प्रशांत महासागर में जॉनस्टन द्वीप के ऊपर 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में किया गया था। इस मिशन को स्टारफिश प्राइम नाम दिया गया था। यह परीक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका के ऑपरेशन डोमिनिक का हिस्सा था, जो वायुमंडल और अंतरिक्ष में किए गए परमाणु परीक्षणों की एक श्रृंखला थी। इस प्रयोग का उद्देश्य पृथ्वी के वायुमंडल और उपग्रहों पर उच्च ऊंचाई वाले परमाणु विस्फोटों के प्रभावों का अध्ययन करना था। विस्फोट के कारण ईएमपी का अर्थ विद्युत चुंबकीय पल्स है, परिणाम स्वरूप उपग्रह क्षतिग्रस्त हो गए और रात के आकाश में अरोरा दिखाई देने लगे। इस परीक्षण ने वायुमंडल और बाह्य अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया।